हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड जो है कि मछली को ईटी पे घीच करके उसको साफ़ कर रहे हैं, जो मछली में लगा रहता है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, टमाटर एक टिफिन मैंने पीस कर रखा है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च मैंने पीस लिया है, और एक टिफिन मैंने प्याज पीस के रख लिया है, और तेल मसाला लेके रख लिया है। और यहाँ पे देखिए हमारे हस्बैंड कैसे क्या कर रहे हैं। तो वीडियो में बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मछली को अच्छे से रगड़ के धो लिए हैं, और इस तरीके से यहाँ पे धुल उल के साफ़ सुथरा हो चुका है मछली। और इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक। हल्दी और नमक डाल के ही फ्राई करेंगे, क्योंकि इसका हम रस्सेदार सब्जी रस्सेदार मछली बनाएंगे, मतलब करी, फिश करी। तो इस तरीके से हल्दी नमक डाल के इसको मिला लिया है दोस्तों। अब मिलाने के बाद हम इसको तलना शुरू करेंगे। तो यहाँ हमने रख दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, और इसमें हम इन मछलियों को अच्छे से फ्राई करेंगे। और एक मछली होता है जो मसाला मतलब डाल के बनाते हैं, ये है मतलब फिश करी बना रहे हैं। तो इसको देखिए, यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर होगा मछली फ्राई। यहाँ पे एक एक मछली अच्छे से करके, इसमें दो चार मछलियाँ एक साथ करके दो चार मछलियाँ फ्राई यहाँ पे कर लेंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ मछली फ्राई हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आगे पीछे करके मछली को अच्छे से फ्राई कर रहे हैं, और यहाँ पे हो गया हमारा मछली फ्राई। और इसको बाद इसको फ्राई करने के बाद हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मछली इस तरीके से फ्राई हो चुका है, और इस तरीके से फ्राई होने के बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सारी मछलियों को फ्राई करके निकाल लिया गया है। तो इस तरीके से ये ब्राउन पूरा अच्छे से करके इसके बाद निकालेंगे। तो यहाँ पे मछली फ्राई करके निकाल लिया गया है इस तरीके से, और इसके बाद फिर डालेंगे हम और मछलियाँ। तो इस तरीके से सारी मछलियों को फ्राई कर लिया है, और यहाँ पे ये देखिए बच्चे हैं और ये बना रहे हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे सरसों और जीरा, खड़ा जीरा, और उसके बाद डालेंगे हम प्याज का पेस्ट जो हमने बना रखा है, तेजपात मिर्च डालने के बाद पलटा छटकी। तो इसमें हमने डाल दिया है प्याज पीसा हुआ पेस्ट, इसको हम थोड़ा भून लेंगे। जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, और इसको हम भून लेंगे। और इस तरीके से मसालों को हम भूनेंगे। इसके बाद डालेंगे हम टमाटर और टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए डाल दिया गया है टमाटर का पेस्ट, और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें हल्दी, और इसमें डालेंगे हम हल्दी डाल दिया गया है 1.5 चम्मच के लगभग। उसके बाद डालेंगे हम ये देवी मिर्च, धनिया पाउडर, देवी मिर्च डालेंगे, और थोड़ा सा हम डालेंगे धनिया पाउडर बस। और इस तरीके से इस मसाले को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे दोस्तों ये देखिए, इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, और इसमें डालेंगे हम, और यहाँ पे बच्चों की मस्ती चल रही है, इधर ये देखिए बना रहे हैं। और मसाले को यहाँ पे भून लिया गया अच्छे से। इसके बाद हम डालेंगे दोस्तों ये मसाला जो हमने तैयार करके रखा था, तो ये गरम मसाला है जो कि हमने पाउडर बना रखा है। इसका थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके इस मसाले को अच्छे से भून देंगे। तो अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा पसंद आए तो। और यहाँ पे देखिए यहाँ डाल दिया गया है नमक, तो इस मसाले को पानी डाल दिए, नमक डाल दिए, अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे करके। तो ये मसाला देखिए पकना शुरू हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सूख जाए तब तक इसको अच्छे से भूनेंगे। और भूनने के बाद फिर इसमें हम पानी डाल देंगे, आप अपने हिसाब से जितना आपको इसका चाहिए ग्रेवी उतना आप पानी डाल दीजिएगा। और यहाँ पे डाल दिए हैं पानी, और इसको ही हम यहाँ पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से पक के तैयार हो चुका है, और इसके बाद हम डालेंगे फ्राई किया हुआ मछली। और मछली डालने के बाद हम इसको पकने देंगे कुछ टाइम तक। पकने के बाद देखिए इस तरीके से ये बनकर तैयार हो गया है हमारा फिश करी। तो ये हमने प्लेट में निकाल के दिखा दिया है,
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके का हमारा फिश करी बनके तैयार हो चुका है। इसमें हमने धनिया का गार्निश करके तैयार कर दिया है और ये फिश करी हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। नई वीडियो है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये खाना पीना हो रहा है क्योंकि हमारे घर में ये बर्तन अलग होता है।